हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियोस में हमने क्या क्या देख लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है उनकी, और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो मेथड्स देखे थे हमने। एक तो मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा मेथड था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड का ही एक एडवांटेज है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको ये प्रूव करवाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला तो कमेंट में बोल दीजिएगा। मैं आज अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इस वजह से सिंपल इसका रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एट लास्ट हमें रिजल्ट ही तो याद करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट होगा। एक तो याद रखिए, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, एक मिनट रुकिए, पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लिख देता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। इसको हम डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी, जो कि डी हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर रूट, ये देखिए माइनस का साइन है, माइनस में अगर रूट के अंदर कुछ आता है तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू की तरफ चला जाता है। तो ये वाली चीज़ आप प्लस वन में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें देखेंगे कि डी लेस देन ज़ीरो हो तो कैसे सोल्यूशन आता है, आयोटा वगैरह लगते हैं उसके लिए। तो वो अभी आपके स्कोप आउट ऑफ स्कोप है, तो आपको इतना ही करना है, याद रखना डी ग्रेटर देन ज़ीरो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो बस। अब इसकी मदद से एक सॉल्यूशन, एक एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का। इधर लिख लेता हूँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, फाइंड, ये देखिए अब एग्जांपल एक, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स इज 290। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 11 है ये, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार इंटीजर्स देखने हैं हमें जिनका सम, जिनके सम का स्क्वेयर कितना हो 290। ठीक है, बस फिर क्या दिक्कत है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो ओड दो दो के गैप में आएगा। एक इंटीजर मान लिया हमने x, तो दूसरा इंटीजर होगा x प्लस टू, क्योंकि 1, 3, 5 ये टू टू के गैप में तो आते हैं ओड नंबर्स। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों के स्क्वेयर करके और सम करते हैं तो 290 के इक्वल आना चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर इक्वल टू 290। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू इंटू टू इंटू एक्स 290। तो ये आ गया टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस, ये साइड ले आए तो 286 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वेयर टू से डिवाइड कर दीजिए, हाँ तो इसमें ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई माइनस टू और सी की वैल्यू आ गई माइनस 143। बस अब क्या करना है, इसमें पुट कर दीजिए ए बी सी की वैल्यूज। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस फोर बी स्क्वेयर, टू टू जै फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस टू ए सी ट्वाइस ऑफ फोर ए सी, फोर इंटू दिस इंटू दिस, तो फाइव सेवेंटी टू बाई में टू ए। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आ गया 576, 576 किसका रूट होता है, 24 का, माइनस टू प्लस माइनस 24 बाई टू इक्वल टू एक्स। बस फिर क्या दिक्कत रहेगी, एक बार प्लस का साइन लेके निकाल लीजिए रूट, एक बार माइनस का साइन लेके रूट निकाल लीजिए, तो एक्स के रूट आ जाएंगे 11 एंड माइनस 13। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखिए इसको, तो इस इक्वेशन के अंदर वेरीफाई करने के लिए एक बार 11 पुट कीजिए, एक बार माइनस 13 पुट कीजिए, अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो ये सेटिस्फैक्ट्री है वरना नहीं है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, तो ये सबसे आसान तरीका होता है निकालने का, और प्लस टू तक ये काम आएगा, आगे तक भी काम आएगा, आपके प्लस वन प्लस टू में भी काम आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो एक पूरा पूरा चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस वन के अंदर, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, इसी के मदद से नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। अब इसको हमने डी माना था ना, डी डिस्क्रिमिनेंट। देखिए पहला पॉइंट, अगर ये वाली चीज डी इक्वल टू जीरो हो तो दो रूट्स आएंगे, टू रूट्स, और दोनों के दोनों इक्वल होंगे, टू रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अगर ये लेस देन जीरो हो दो ही रूट्स आएंगे, पहली बात तो लेस देन जीरो है तो रियल रूट आएगा ही नहीं, नो रियल रूट, रूट आएगा जो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, नो रियल रूट, ये प्लस वन में पढ़ेंगे, ये पढ़ना ही नहीं हमें अभी। थर्ड, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है डी, ये लिख देता हूँ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो तो दो रूट आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अब देखिए आप ये तो चीजें समझ गए हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, डी इक्वल टू जीरो आए तो ये आएगा, डी लेस देन जीरो आए तो ये आएगा, डी ग्रेटर देन जीरो आए तो ये आएगा। अब क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस चीज़ को, एक क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें आप सीख जाओगे कैसे कुछ करना है हमें। ठीक है, इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कैसे निकलेगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था, बी की वैल्यू कितनी है इसमें, माइनस फोर, पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए ए की, इसी फॉर्मेट से चलिएगा आप भी शुरुआत में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो बी की जगह माइनस फोर रखिए, सिक्सटीन माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, तो सिक्सटीन माइनस फोर टू एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, माइनस एट, माइनस एट लेस देन ज़ीरो होता है, डी लेस देन ज़ीरो आ गया, डी लेस देन ज़ीरो आ गया तो नेचर क्या आ गया इसका,
नेचर ऑफ रूट डी लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये चीज समझ गया आप कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। टू एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें वही चीजें डिस्क्रिमिनेंट निकालना और नेचर ऑफ रूट डी, डी तो यही हो गया, ये वाला ए की वैल्यू कितनी होगी टू, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस सिक्स, सी की वैल्यू कितनी होगी थ्री। तो ये रखिए इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर कितना हो गया सिक्स, सिक्स थर्टी सिक्स माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, थर्टी सिक्स माइनस फोर टू जैड थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो प्लस का ट्वेल्व आ गया प्लस ट्वेल्व, डी की वैल्यू आ गई प्लस ट्वेल्व, तो डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, दो रूट्स आएंगे टू रूट्स और डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, अलग अलग दो रूट्स आएंगे, तो रूट कैसे निकाल लेंगे, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लीजिए या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लीजिए या फिर उससे निकाल लीजिए अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाल लीजिए, किसी से भी निकाल लीजिए, रूट्स आ जाएंगे इसके, सेम रूट आएंगे। ठीक है, दो रूट्स आएंगे और अलग अलग रूट्स आएंगे। बस इसमें इतना ही था, तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ये। ठीक है, पहली बात अब पॉइंट ध्यान रखिए, एक कहीं से भी आप क्वेश्चन करते हैं तो सॉल्यूशन मत देखिए जी, मत देखिएगा उसका, कम से कम उसको तीन बार ट्राई कीजिएगा, वीडियो को बार बार देख के ट्राई करने की कोशिश करना, अगर फिर भी सॉल्व नहीं आता है तो उसका स्नैपशॉट लेके या फिर कमेंट में टाइप कर दीजिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, अगर अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी ठीक ठाक अच्छे तरीके से पढ़ सके चैप्टर को। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थैंक यू।